13 तारीख को थाना प्रभारी खोरी को एक सूचना मिली थी कि नवादा ग्राम में कब्रिस्तान के पास में एक बॉडी पाया गया है। तो उसी के निशानदेही में थाना प्रभारी पूरी टीम के साथ में गए तो पता चला कि वो बॉडी गांव के ही सिकंदर भुइयां की बॉडी है और वो जली हुई अवस्था में थी। उसे उठा करके लाया गया था, अपने घर पर लाया गया था। वहीं पर पुलिस की टीम पहुँची थी। एक हम लोगों के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी चुनौती थी हम लोगों को इसका उद्भेदन करना, लेकिन विगत चार दिनों में इटखोरी थाना के थाना प्रभारी, वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर मंजू मैडम के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा काफ़ी तत्परता दिखाते हुए और पूरी सतर्कता के साथ में इस केस का उद्भेदन किया गया है। इस कांड का जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाम है उसमें प्रमुख अभियुक्त जो है लालधारी भुइयां और उसके साथ में जो मृतक है उसका भाई बहादुर भुइयां। जब इन लोगों का कन्फेशन लिया गया तो लालधारी भुइयां ने बताया कि दिनांक 12 तारीख को रात्रि में वो ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गए हुए थे। घर पर उसकी पत्नी अकेली थी और जब वो दो ढाई बजे के बीच में जब घर पहुँचे तो जो मृतक है सिकंदर भुइयां उसके साथ में उसे आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया तो उसने आवेश में आकर के उनका मुंह दबा करके उनकी हत्या कर दिया और उसकी पत्नी वहां से भाग गई। उसके बाद उसको गर्म पानी से उसका बॉडी को पूरी तरह से जलाया गया। जब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है तब वो जो मृतक थे उसका भाई के यहाँ गया तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा करके मर्डर कर दिया है इस स्थिति के कारण, तो अब हमें मुझे क्या करना है। तो उसमें बताया कि आप लोग सपोर्ट करिए। तो उसके भाई उसको लालधारी जो मेन अक्यूज्ड है उसके साथ में सिकंदर भुइयां का बॉडी को उठा करके जो नवादा गांव है वहां पर कब्रिस्तान है वहां पर उसे डंप कर दिया गया। और दूसरे दिन उसे लोगों के द्वारा ही सूचना बताया गया कि वहाँ पर इस तरह का एक डेड बॉडी मिला हुआ है। तब उस पर हम लोग इटखोरी थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किया और आगे जो भी कार्रवाई हुई उस पर उसका उद्भेदन जल्दी 4 दिनों के अंदर में हो गया और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो जलाया गया है पानी, गर्म पानी करके जलाया गया है तो उसमें हम लोग जहाँ पर घटना हुआ है, जिसके घर में घटना हुई वहाँ से एक इंडक्शन चूल्हा और बर्तन को जब्त किया है। और उनका कन्फेशन है कि जो भी घटनाक्रम बताया गया था उस पर वो अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। दोनों गिरफ्तारी नवादा से ही हुई है, उनके घर से ही हुई है। कल रात्रि में उसे गिरफ्तारी हुई है। ये मामला उसे राजनीतिक एक सामुदायिक उसको रंग देने का कोशिश किया गया लेकिन वैसा कुछ भी मामला नहीं था शुरुआत में। चूँकि वहाँ पर नवादा में कब्रिस्तान का जमीन का विवाद भी हुआ है दो समुदाय के बीच में तो उसी रंग को इस घटनाक्रम से जोड़ने का कोशिश किया गया था। माहौल भी वहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी लेकिन जो चतरा पुलिस के पूरी टीम के द्वारा और फोर्स के द्वारा इटखोरी थाना और मयूरहंड थाना के सहयोग से स्थिति को संभाला गया और अल्टीमेटली जो भी बॉडी मिला था उसका हम लोग उद्भेदन कर पाए कि कैसे मर्डर किया गया।